नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और यहां से कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत चर्चित स्टार की अगर बात करें तो ऐसे स्टार के साथ आज हम बैठे हुए हैं जिनको देखने के बाद आपकी निगाहें वीडियो स्क्रीन से हटेगी नहीं। ये चैलेंज है। आपको बता दे दोस्तों, अगर नाम बता देंगे तो शायद आप सभी जानते होंगे, और अगर जो नहीं जानते होंगे ये बता दे कि शादी विवाह में अगर आप बारात में गए होंगे तो शायद एक गाना सुने होंगे कि आज भर ढीलदा ढोड़ी था कि छीलदा। दोस्तों, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, नाम है बुलेट राजा और अपनी आवाज से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग छवि छाप छोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले बुलेट जी, बहुत बहुत स्वागत है पीजी न्यूज में। सबसे पहले पीजी न्यूज के माध्यम से जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, आपके दर्शक देख रहे हैं, दिल से लव यू। और बोले स्टार तो हम स्टार नहीं है, बस नॉर्मल है। उत्तर प्रदेश की धरती से हम लोग चल के आज बिहार पटना में उपस्थित हैं और आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसा लगा? वेलकम, बहुत अच्छा। क्या बात है। तो सवाल करी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिलसिला कब से विचार भइल आवे के और कब से आप काम करत हवा और कवन पहला ऐसा गाना रहल जोन की पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम धमाल मचा देले? ये तो सब भाई जान रहे लो कि कौन सा गाना है जो पूरा पॉपुलर। इससे पहले भी मेरा गाना था, भक्ति गाना था, लोटा से जल चुआ था, पहलवा पिया चुआ था, पसीना बिना है कौन, बहुत सारा गाना है उसके, मतलब जीवन का सबसे बड़ा गाना मेरा ये है। कौन सा? ढोड़ी जाने छेल दा। अरे वाह, जब हमारे दर्शकों के लिए वो लाइन हो जाए, क्योंकि ये गाना बहुत पॉपुलर रहा कि आज भर ढील दा ढोड़ी धा के छेल दा। और ये बुलेट जी आपके सामने लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और कैसे सुनाएंगे जरा सुनिए आप लाइव, और वीडियो में जाके देखेंगे तो यही नजर आने वाले। वो गाना हम और नेहा राज गए थे और जिनको म्यूजिक दिए थे बी गुप्ता और लिखे थे मेरे बड़े भैया कवि जी निर्मल जी। और वो गाना ऐसे था, मेरा लाइन था कि घर में छिपकली जैसे छिपक दीवार से, वो हिंगा छिपक जा तू अपना भतार से, ढेर दिन पो नैहर से अइलु हकार से, आ रात भर मा जाया जिले बे द तू प्यार से। वैसे लड़की का लाइन है कि आज भर ढील दो ढोंढी जनी छील दो, थाकल बा मियाज जनी हौ वाला फील दो। ये थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग है, एंजॉय के लिए है। और ये तो मान लीजिए कि काफी इसमें विवाद भी हुआ कि ये है वो है, तो देखिए गाना हम लोग विवाद के लिए नहीं करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय के लिए करते हैं। और अच्छा बुलेट जी, अगर हम सवाल करी तो का ये गाना पता रहल आपके कि कितना इतना मिलियन में चला जाए और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक धमाल मचाई? मुझे तो थोड़ा सा ये नहीं था, लेकिन जिन्होंने गाना लिखा था ना निर्मल जी, वो मुझसे एक बात बोले। ये लगभग गाना हमको आया 12-1 बजे रात को जी, म्यूजिक सुने और बोले कि ठीक है इसको सुबह में करते हैं। सुबह में किए तो निर्मल जी बोले कि ये गाना 100% लिख के रख लीजिए कि हिट है। राइटर जी पहले ही खुलासा कर दिए कि ये गाना हिट है जी, जी। तो वो मुझे पहले बता दिए थे कि ये है, हमने कहा अच्छा चलिए, भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी। बुलेट जी एक सवाल और करी कि ये देखिए अहम सवाल है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में और लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप आज हिट हो गए हैं, मार्केट आपकी बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया कलाकार जब कोई आके इस प्रकार के गाने गाते हैं और रातों रात भोजपुरी इंडस्ट्री को ये पता चलता है कि यार ये एक सिंगर आया और मारा यूं सबको पीछे चला गया, तो क्या प्रेशर होता है इंडस्ट्री से और छोटे कलाकारों को मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े सिंगर कितना सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारे पूर्वांचल के दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। आजकल के देखिए, आजकल कोई किसी का सपोर्ट करने वाला नहीं है। क्या बात, एक गाना हिट हो रहा है ना तो उसपे ना जाने कितना स्ट्राइक, कितना कॉपीराइट, कितना क्लेम कि कहां से बंद करा दिया जाए, कहां से क्या कर दिया जाए। क्या ये साजिश बहुत है इसमें, साजिश बहुत है ना, बहुत है।
ये मैं इसलिए प्रश्न किया बुलेट राजा से क्योंकि आज ये मार्केट में हीट हो चुके हैं और ये देखिए खुद ये खुलासा कर रहे हैं। दोस्तों मैं ये तस्वीरें आपको क्यों दिखाना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अपनी आवाज से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग परचम लहराना चाहते हैं, लेकिन बुलेट जी इस दर्द को अपने दिल से बयां कर रहे हैं कि अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में मुकाम बनाना चाहते हैं तो आपके साथ तमाम प्रकार की साजिश रची जाती है, आपके गाने पे स्ट्राइक आते हैं, ये बुलेट राजा जी बता रहे हैं। मेरा गाना स्ट्राइक, आपको पता होगा कि स्ट्राइक करके बंद कर दिया गया है। 8-8 चैनल पे ट्रेंड करता था और मेरा गाना जब 25 मिलियन चला एक सप्ताह में, क्या बात, तो उस टाइम से ही स्ट्राइक ब्लॉक मैंने करते करते, और ये सब मेरे भाई जितने भी सुनते हैं हमको जी, ये उन लोग का प्यार है कि ब्लॉक गाना हो गया था तभी प्यार दिला, रुकने नहीं दिए। क्या बात, इसलिए दिल से लव यू आप सबको, और जब तक हम हैं तब तक आप सबके इंटरटेनमेंट के करते रहेंगे जी। अच्छा बुलेट जी एक बात और बताइए, आपने इसी ट्रैक पे एक गाना और गाया सावन का, वो भी गाना आपका खूब बजा, जरा उस गाने की लाइन हो जाए बुलेट जी। सावन का गाना वो टी सीरीज से रिलीज हुआ था जी जी जी, थोड़ा सा लाइन याद नहीं है, थोड़ा सा ये है कि था कोलबा में आज भांगना पिए वाला फील, यही थोड़ा सा टाइटल था जी। और ये टी सीरीज से गया, और ये जो गाना ब्लॉक करके तो वहां से टी सीरीज से आ गया फोन, और वो गाना चला गया, पेपर भी चला गया, और ये गाना टी सीरीज से खुल रहा है एक दो दिन में। क्या बात है। अच्छा बुलेट जी, और कुछ आपके गाने दिल के करीब होंगे जो हमारे दर्शकों से आप रखना चाहते हैं, जरा सुनाइए, क्योंकि आप सिंगर हैं, स्वागत करते रहिए और हम प्रश्न करते रहेंगे। एक बहुत ही अच्छा तो नहीं है कहेंगे, क्योंकि जो गाना बजने लगता है वो अच्छा नहीं होता है जी। क्यों नहीं अच्छा होता, अगर जो गाना बजता है, जो गाना बजेगा ना उसको अश्लील में घुसार देना है जी जी जी। एक गाना मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत पुराना रूल है, आपको बता दे जहां तक मैं समझता हूं, मैं अपने चैनल के जरिए आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बस खाली इसलिए होता है कि छोटे कलाकारों को उठने नहीं देना है। अच्छा बुलेट जी, क्या आप बता सकते हैं उसी भोजपुरी स्टारों में कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे कलाकारों का बहुत सम्मान करना चाहते हैं, किसी का आप नाम लेना चाहेंगे? बहुत लोग हैं, एक आध नाम मैं चाहता हूं कि आपने नाम तो नाम किसी का नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे क्या जी, विवाद में हम थोड़ा सा बहुत कम रहते हैं, ये सब नहीं रहते जी जी जी। ठीक है, तो ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं और आपकी तरह और भी तो है न्यूज वाले, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग अंदाज है अपना जी। तो बताइए सर वो गाना हो जाए जी, गाना मेरा अभी तुरंत फिलहाल एक सप्ताह हुआ जी। वो गाना बुलेट राजा इंटरटेनमेंट से और रागनी म्यूजिक से, दोनों से रिलीज हुआ है। रागनी म्यूजिक आपकी ही कंपनी जी, मेरा ही, और शुरू से जब से खुला तब से गाते उसी कंपनी से आ रहे हैं, और सारे कंपनी से सबसे गा रहे हैं जी। वो गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, वो गाना है कि लगे नरम नरम बबी तो हर गाल हो, ये मुलायम जैसे मेरे गा के छाल हो, कि जैसे भी और रम में होला वैसे नासा हो जाए, कि पहले काजल रहल सुनायब आशा हो जा, आओ कोरा में समा के लासा लासा हो जा, छोड़ा दूध के मलाई अब बतासा हो जा, आओ कोरा में समा के लासा लासा हो जा। और ये गाना के ढेर सारा प्यार मिला था, तो दिल से लव यू सबके। एजुकेशन की बात करी तो कहाँ तक एजुकेशन? मैं इंटर फाइनल है मेरा। अच्छा, तो उसके बाद मैट्रिक जो पहले 2015-16 में देखा, कि 3 महीना के बाद रिजल्ट आता था जी, होता था कि नहीं? हाँ। अभी तो है कि 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना पे आ जा रहा है, तो उसमें 3 महीना एक गैप बचाना, तो हम सोचे कि थोड़ा सा गए, एक स्टूडियो था मेरे बाजार पे मीरगंज, उसमें गए गाने, तो ये है गायकी की कीड़ा एक बार जब अंदर चला जाता है ना तो ये निकलता नहीं है, तो वैसे करते करते, और घर का सपोर्ट, देखिए कोई भी गार्जियन चाहेगा कि
मेरे बेटे पढ़े लिखे और ये सब में थोड़े कहेगा, और ये थोड़ा सा उलट फेर होता है लेकिन हो जाता है ना। आपको बता दें कि अगर बड़े बड़े आप स्टारों को उठा के देखेंगे, अगर उनके जीवन की हिस्टोरी आप पढ़ेंगे तो यही होता है कि किसी के घर वाले नहीं चाहते हैं शुरुआती में कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे। क्यों उलट जी, सही है ना? सही, सही बात है। लेकिन जब वो स्टार बन जाते हैं तो एक दिन वही लोग गर्व से कहते हैं कि मेरा लड़का है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि पैसवा जब आवेला तो सारा सिस्टम सब सेट हो जाता है। सही सही बात है। देखिए लेकिन वो भी अच्छा है, कोई भी गार्जियन जाएगा मेरा बेटा नाम कैसे करे, जी जी है कि नहीं, खुशी मिलती है। डॉक्टर इंजीनियर बने चाहे कुछ भी, मेरा छोटा भाई ये पढ़ रहा है, वो छोटा है अभी जी। इंटर का परीक्षा इसके पिछले साल देने वाला है, अगले साल, तो उसका ये है कि हम डॉक्टर बनेंगे। क्या बात, तो शुरू से ही हॉस्टल में रहता है। दो सवाल और करेंगे बुलेट जी, अगर हम बात करें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और दर्शकों के लिए क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, नवरात्र में बहुत ही अच्छा गाना आ रहा है और ऐसा ना पूरा विश्वास है कि वो बजेगा गाना। अरे वाह क्या, जो की गाना लिखे है प्रभु बिशनपुरी जी और बजेगा। कहना चाहेंगे, लास्ट सवाल है, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं और दिल से लव यू जिस तरह हमको प्यार दुलार दे रहे हैं, इस चैनल को दीजिए, बाकी महादेव की कृपा सब पे बनल रहो। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल और साधारण ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं बुलेट राजा जी, और पटना में घर है, आप आके मिल सकते हैं दोस्तों। और बुलेट राजा की अगर बात किया जाए तो यूपी बिहार झारखंड कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे इनका गाना न बजा हो। और आपको बता दें दोस्तों कि बारात में सबसे ज्यादा अगर किसी गाने पे डांस हुआ करता था तो वो गाना था कि आज भर ढील दा ढोंडी धर के छिल दा। हम चाहेंगे जाते जाते हमारे दर्शकों को जरा वही गाना फिर फिर बोरिंग लगेगा गाना सुना रहे आया था गाना कि यदि प्यार बगुना है तो साजा दो हमके न तो चलो बिछावना पे मजा दो हमके, वायरल चीज था इसको गाना बनाया। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पीजी न्यूज पे बात करने के लिए बुलेट जी। मुझे आशा नहीं था कि आप हम लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात की है, बहुत अच्छी लगी। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री की खबरों पर नजर रखने के लिए और तमाम प्रकार की वायरल सच को समझने के लिए बने रहे आप पीजी न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर से आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।